डियर स्टूडेंट्स, क्लास प्रश्न मैथ चैप्टर नंबर 16 चल रहा है। प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 16.2 फिफ्थ सम। थ्री कॉइन आर टॉस्ड, तो सैंपल स्पेस एस क्या होगा? तीनों हेड, दो हेड एक टेल और दो टेल एक हेड और तीनों ही टेल, ये माना जा रहा है सैंपल स्पेस। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है? फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि टू इवेंट वो क्या होना चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। टू इवेंट और वो क्या होना चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से थे? जिसमें ए इंटरसेक्शन बी वो क्या हो? हाई हो, मतलब एम्प्टी हो। तो कोई भी दो ले सकते हो कि दोनों में कोई भी कॉमन ना हो। तो फर्स्ट ले लिया ए इवेंट और थ्री है, तीनों ही हैं द्वारा है, ठीक है। बी इवेंट ओ, अब हाई होना चाहिए एम्प्टी होना चाहिए दोनों कॉमन, तो मतलब तीनों हेड छोड़ के हम कोई भी कंडीशन का ले सकते हैं। तो हम सिंपल सी बात लिख लेते हैं, थ्री टेल, तो टेल टेल और टेल ये हो गया। तो यहां से क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी दोनों में क्या आ गया? आई। तो ये क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद क्या गया? थ्री इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि थ्री इवेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी और एंड म्यूचुअली होने चाहिए। हमारे तीन इवेंट लेने हैं, म्यूचुअली हेजिटेटिव भी होने चाहिए और सातवीं वाला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी। तीन इवेंट है, सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे देखें। तीन इवेंट ले लिए हमने ए बी और सी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी वो क्या होना चाहिए? फाइव सबसे पहले तो, ठीक है जी। और साथ में क्या होना चाहिए? तीनों एग्जेक्टिव भी होना चाहिए, मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी ये क्या आ जाए? हमारा एस, एस मीन्स ये टोटल आठ केस पूरा पूरा सेट। तो देखिए ए हम पहली बात तो ए बी सी ऐसे लेके चलेंगे कि आठ के आठ पूरे हो जाए, और दूसरा ए बी सी ऐसे लेने चलेंगे जिसमें कोई भी कॉमन ना हो। तो ए इवेंट मान लिया हमने इवेंट ऑफ थ्री हेड, हेड 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 यहां पे और मार्क करते रहेंगे ये आ गया। अब बी इवेंट ऑफ इसको छोड़ के बाकी में से आना चाहिए क्योंकि हम ये भी तो पूरे करने हैं और ये आना नहीं चाहिए। तो हम ले लेते हैं वन हेड, वन हेड वाले हेड 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 टेल 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 हेड टेल और टेल टेल हेड, मींस ये आ गया। इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। और सी इवेंट ओ, अब ये बाकी चार बच गए, वन टू थ्री फोर ये बच गए, ठीक है। तो ये बच गए तो इसका कैसे करेंगे हम? इसमें क्या करेंगे हम कि यहां पे दो हेड है, दो हेड है, दो हेड है और ये क्या होगा? तीनों टेल। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं कि टू हेड और या थ्री टेल। इसमें क्या हो जाएगा? हमारा हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल हेड हेड और तीनों ही टेल। इनके अंदर आंसर मैच नहीं करेंगे, आप कोई भी आगे पीछे ले सकते हो। तब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में फाइव, बी इंटरसेक्शन सी इसमें एक हेड है, इसमें दो हेड या जीरो हेड है, फाइव। ए इंटरसेक्शन सी इस
उसके बाद क्या करा थर्ड पार्ट में, टू इवेंट विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, मींस कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो सपोज दैट क्या करना है, कोई भी मान सकते हो ए इवेंट और 3 है, तो हेड 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 और बी ये आना चाहिए, तो इवेंट को एट लिस्ट 2 हेड, एट लिस्ट का मीनिंग होता है कम से कम 2 हेड और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहले 2 हेड वाले हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और 2 से ज्यादा तीनों ही हेड, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या है, हेड 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 आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, सो दीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद फोर्थ है, टू इवेंट विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एडजेक्टिव, मतलब ये क्या कह रहा कि फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा इसके कि दो इवेंट है वो क्या होना चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो होने चाहिए बट नॉट एक्स हेजिटिव, मींस यहां से क्या है एक्सक्लूसिव से ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी 5 और यहां से क्या है ए यूनियन बी नहीं होना चाहिए, तो नॉट इक्वल टू एस। तो अब देखिए ए इवेंट तो माने हम यही का यही इस केस में यहां पे, और बी इवेंट माने ए क्या इवेंट ऑफ 3 हेड मींस हेड 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 और बी इवेंट, देखिए अब हेड आ गया किन्नो हेड ये आना नहीं चाहिए क्योंकि हमें एम्प्टी चाहिए है बी में और पूरे भी नहीं आना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं इवेंट ऑफ 1 हेड, 1 हेड 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 टेल टेल, 1 हेड हो गया टेल हेड टेल 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 हेड, ये हो गया। तो ए यूनियन बी दोनों में कोई कॉमन नहीं है 5 और सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी पूरा सेट नहीं बना केवल 4 ही बने 8 चाहिए थे, तो नॉट इक्वल टू एस, सो इट इज दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट एक्स हेजिटिव। नेक्स्ट है सिक्स सम टू डाइज आर रो, ये हो गया हमारा एस सेंट्रल स्पेस इन कंप्लीट सेट 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इसे 2 के साथ 1 2 3 4 5 6, 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, 4 के साथ 5 6 किया। अब ए क्या दे रहा है यहाँ पे कि फर्स्ट डाई के ऊपर इवन नंबर होना चाहिए, गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। बी क्या दे रहा है ओड ऑन फर्स्ट डाई मींस पहली पे इवन, तो ये केस हो जाएंगे इसके ए वाले, बी वाले पहली पे ओड, ये केस हो जाएंगे। तो लिखने आपने ए के क्या हो जाएंगे 2 1 2 2 2 3 2 4, ये लिखने यहाँ पे बी में ये हो जाएंगे। सी क्या कह रहा है गेटिंग सम ऑफ डाइस लेस देन और इक्वल टू 5 मींस दोनों का जोड़ 5 या 5 से छोटा आना चाहिए, जैसे 1 और 1 2 हो गया 1 2 3 1 3 4 1 4 5, और ये नहीं आएगा यानी इनका जोड़ 5 या 5 से छोटा आना चाहिए, इसमें 2 और 1 3 2 और 2 4 2 और 3 5 ये हो जाएगा, 3 और 1 4 3 और 2 5 ये हो जाएगा, 4 और 1 5 4 और 2 6 ये नहीं होगा, ये वाला ये भी नहीं होगा, ये केस होंगे। तो इसके क्या होंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 4 1, ये केस हो जाएंगे इसके। अब ये क्या कह रहा है फर्स्ट केस में कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मींस नॉट ए, या फिर हम कह सकते हैं टोटल में से एस में से ए माइनस कर दें, तो ए क्या है गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर है ये नहीं होने चाहिए, तो ये हो गए मींस ये बी के इक्वल हो गया, ये नहीं होंगे केवल ये ही होंगे, ये केस लिखने 18। उसके बाद बी नॉट बी नॉट बी, बी ना हो, बी वाले मतलब ये वाले ना हो, ये वाले होते हैं इसके
इसका मतलब a माइनस सी, a ये वाले केस हो गए और c, c में ये माइनस करने हैं। इसमें देखिए कौन कौन से हैं, इसका मतलब क्या, पहले पे इवन, इसमें पहले पे इवन एक तो ये आएगा, इसमें ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया और ये आ गया, ये चीज ये छोड़ के बाकी सारे के सारे केस आ जाए। ये चार केस छोड़ने ही 18 तो 14 केस लिखने हैं। उसके बाद सिक्स हम क्या करना है, इसका सिक्स पार्ट बी और सी, बी और सी, तो बी और सी यूनियन सी, बी बी क्या है ये और यूनियन सी है ये, तो जो दोनों का कॉमन होता है वो सिंगल टाइम आएगा, सिंगल टाइम आएगा। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, बी के अंदर ये है, ये है 1 3, ये है 1 4, ये है और 3 1 3 2, ये है, ये तो यू के यू, ये डबल टाइम नहीं आएंगे, ये छोड़ दें। और बाकी इसके साथ क्या है, 2 1 2 2 2 3 और 4 1, 18 केस ये और 4 केस ये आ जाएंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि बी एंड सी, सेवंथ केस में बी एंड सी, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी, बी में पहले पे और इसमें पहले पे और देख लो 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2, ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2, ये आ जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो 8th पार्ट है इसका, 8th पार्ट में क्या कह रहा है, देखिए 8th पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। अभी हमने क्या था, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मींस पूरे सेट में बी नहीं होना चाहिए, नॉट बी मीन सेट माइनस बी, पूरे सेट में से बी माइनस कर देंगे। बी क्या है, ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाई है, छोड़ देंगे। तो ये आ गया और ये इसके इक्वल था ए के, तो ये आ गया ए। तो यहां पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए बी डैश की जगह ए सी डैश, ए और ए का इंटरसेक्शन सेम और सेम में कॉमन क्या होगा, सेम ही होगा। जिस प्रकार से एलसीएम लेते हैं 25 और 25 का एलसीएम, 25 आएगा सेम और सेम का, इस बार सेम और सेम का यूनियन इंटरसेक्शन सेम ही आएगा ए इंटरसेक्शन सी, मींस ए और सी का कॉम्प्लीमेंट ए, ये क्या है नॉट सी, ए और नॉट सी का कॉमन, ए वाले तो ये हो गए, ये टोटल 18 केस। और सी क्या है, 5 या 5 से छोटा सम, लेकिन सी नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि 5 या 5 से छोटा सम, देखो ए तो है ही है, ए वाले ये 18 केस हो गए। अब नॉट सी, सी क्या 5 या 5 से छोटा सम होना चाहिए, तो हम नॉट नहीं होना चाहिए, तो मतलब 5 से बड़ा सम वाले कौन कौन से होंगे इसके अंदर, 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 2 6, यहाँ पे 5 से बड़े सम वाले ये 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यहाँ पे 6 के 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये केस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने करनी है। थैंक यू।